ओरिजिन ऑफ दूफी मूवमेंट सूफिज्म एक तरीके से जिसका मेन एम है कि मिस्टिकल फिलोसफी या फिर एथिकल फिलोसफी को अचीव कर ले इसका जो ओरिजिन है वो अरबिक वर्ड सूफ है जिसका मतलब है वूल, और इससे पता चलता है कि जो प्रॉफिट और जो वहां के जो साधु थे उस टाइम के वो रफ वूल्ड पहनते थे और जो टेंथ सेंचुरी की जो लिटरेचर है उससे यह पता चलता है कि मीडियविल इंडिया क्या क्या सोशल कल्चर सिनारी है और बाकी के सूफिज्म की जो सोशल है वो खान या फिर दरगाह जैसे की सूफी ऑर्डर से पता चलता है इंडिया में माना जाता है कि जो पहले सूफी शाइन था वो शेख फरीद अल दिन गंजवान शखर को बिलोंग करते हैं इनको बबी बाबा फरीद के नाम से जाना जाते हैं ये पॉपुलर थे इस नाम से एंड इनका जो श्राइन था दैट लाइज इन अजुदन या फिर Button, town. क्योंकि बाबा पंजाबी में लिखते थे जितने भी सूफी सेंट, सेंट फकीर या फिर देर विशेष के नाम से जाना जाता है और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग बेसिकलीफिज्म में तीन स्टेजेस थे खनका तरीका और तरीफा यहाँ पे पहला स्टेज था खनका जो कि टेंथ सेंचुरी का पीरियड था ये जो एज था ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट एज था क्योंकि इस एज को कहा जाता था एज गोल्डन मिस्टिसम एज नेक्स्ट जो स्टेज था वो था तरीका ये इलेवेंथ टू फोर्टीन सेंचुरी का जो पीरियड था उसको बिलोंग करता है ये इसी दौरान ये जो पीरियड है इसी दौरान जब सूफिज्म है वो इंस्टीट्यूशलाइज हुआ था और जितने भी ट्रेडिशंस और सिंबल्स हैं ये अब स्लोली डेवलप होने लग गए थे और उसके साथ अटैच होने लग गए थे नेक्स्ट स्टेज आता है तरीफा जो कि फिफ्टीन सेंचुरी के बाद से है इस स्टेज में सूफिज्म अब धीरे धीरे पॉपुलर मूवमेंट बनता गया जब सूफिज्म जब सूफिज्म की जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है और जो किंग की पॉलिटिकल अथॉरिटी है जब ये डेवलप होने लगी तो जो लैंड पहले वॉर के लिए जाना जाता था वो लैंड अब पीस के लिए जाना जाता है एंड इसको कहते हैं एज लैंड ऑफ पीस या फिर दर अल इस्लाम जो सूफिज्म की जो बेसिक प्रिंसिपल है या फिर कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी बेसिकली एक प्यूरिफिके हर्ट्स की जितने भी प्यूरिफिकेशन है उसका एक प्रोसेस बन चुका है और इस प्रोसेस को कहते हैं तस्वीर अलकुल जिसके लिए ये बेसिकली एक रिगरस या फिर स्ट्रिक्ट एथिकल डिसिप्लिन है और यहाँ पे बहुत सारी मेडिटेटिव एक्सरसाइज इन्वॉल्व है जो सूफी फिलोसफी है इसका जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि इनर रियालिटी को यहां पे फोकस किया गया है और यहाँ पे ये माना गया है कि गॉड यूनिवर्स की स्टार्टिंग में और जो यूनिवर्स की जो सपोज एंडिंग है उसमें भी प्रेजेंट है और गॉड अंदर भी है गॉड बाहर भी है जितने भी सूफीज हैं जब वो गॉड के एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करने के उनको जब चांस मिलता है या फिर उनको जब डिस्क्राइब करना पड़ता है तब वो लव और या फिर इंटीमेट इफेक्शन के वोकेबुल को यूज करते हैं और उनके लिए फक्र की बात है जब उनको गॉड के लवर या फिर सूफी मास्टर्स के लवर के लवर नाम से जाना जाता है और उनको कहते हैं अहल द दर्ट्स ऑब्जेक्ट ऑफ दूफिजम बेसिकली सूफी मिस्टिकल थाट के दो फिलोसफीज है एक जो कंसेप्ट है वह है वहादत अल वजूद इसका मतलब है वननेस ऑफ एक्सिस्टेंस ये इन अरबी ने कॉइन किया है ये कहते हैं कि गॉड ही अल्टीमेट ट्रूथ है और इसके अलावा कोई ट्रू एग्जिस्टेंस नहीं है सो so, इनका मतलब यह है कि गॉड ही अल्टीमेट ट्रूथ है और जितने भी एग्जिस्टेंस है जितने भी लाइफ बींग्स हैं सब गॉड के अंदर हैं और जो दूसरा कंसेप्ट है वो है वहादत अल शुदत इसका मतलब है यूनिटी ऑफ अपियरेंस और ये जो स्कूल है ये बेसिकली अलाल अल दवला सिमनानी ने फॉर्मुलेट या फिर कॉइन किया है ताकि इंडिया के जितने भी फॉलोअर्स जैसे अहमद सरंदी इनको अट्रैक्ट कर सके क्योंकि अगर ये आ जाए ये अट्रैक्ट हो जाए तो इसके वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत अच्छे से ये स्प्रेड हो जाएगा इनका कहना था कि गॉड और क्रिएशन ये आइडेंटिकल नहीं है बट जो क्रिएशन है वो गॉड या फिर डि नेम्स और एट्रीब्यूट का बेसिकली शेडो या फिर रिफ्लेक्शन है मिररर ने नाउ लेट इस मीडियल इंडिया में बहुत सारे सूफी ऑर्डर थे और वो मासस में लोगों में काफी पॉपुलर थे और उनमें से कुछ सूफी ऑर्डर थे वो थे चिश्ती सेंट सुरा सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला कदरिया सिलसिला डिस्कस so अबाउट चिश्ती सेंट इंडिया में चिश्ती सिलसिला को एस्टैब्लिश किया था बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में उन्होंने अपना ओपन किया इनके जो हेडक्वार थे हमीदुद्दीन उद्दीन नगौरी उन्होंने राजस्थान के नगौर में अपना खनका को एस्टैब्लिश किया ख्वाजा के कुछ और डिसाइबल थे जैसे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में उन्होंने चिश्ती सिलसिला को एस्टैब्लिश किया जो कुतुब मीनार है ये इन्हीं के नाम से रखा गया है काकी के डिसाइपल बाबा फरीद गंजे शखर वो अजोदान में अपने रहने लग गए थे और ये माना जाता है कि पंजाबी लैंग्वेज के फाउंडर यही थे और इनके कुछ वर्सेस हम गुरु ग्रंथ साहिब में देख सकते हैं इनके जो डिसाइपल थे फेमस वो थे दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया जो कि महमूब इलाई के नाम से जाने जाते हैं और ये माना जाता है कि फेमस पर्शियन पोएट आमिर इन्हीं के डिसाइपल थे

सिलसिला। सिलसिला इस सिल्सिला या फिर ऑर्डर के जो फाउंडर थे वो थे शेख शहाबुद्दीन सूरावर्दी। बट इंडिया में शोल्डर्स पे थी इन्होंने अपना पहला खनका मुल्तान में ओपन किया सो so ये मुल्तान लाहौर और सिंध में काफी पॉपुलर थी बेसिकली चिश्ती सिलसिला के कंपेरिजन में ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है बट ये चिश्ती के जैसे प्रैक्टिस जैसे हेड की शेविंग उसको काफी हेट करता है ये ऑर्डर बट ये ऑर्डर ने इस ऑर्डर ने रॉयल पैटर्नेज और डोनेशन उन सबको एक्सेप्ट करता है बाहाउद्दीन जकरिया ने इल्तमिश को इनवाइट किया ताकि मुल्तान के कुबच्च, कुबच्चा को अटैक कर सके और बाद में जब जीतने के बाद इल्तमिश ने इनको टाइटल दिया एस शेख उल इस्लाम इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर सिलसिला आता है कदरिया सिलसिला इस सिलसिला के जो मेन जो सेंट थे या फिर इंपॉर्टेंट सेंट थे वो थे मीर या फिर मीर मोहम्मद गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में इनके फाउंडेशन में गुरु रामदास के साथ ये भी एसोसिएटेड थे मीर मुल्लन शाह बदाक्षी के इन्फ्लुएंस में दारा शुको जो कि शाहजहां के एल्डर सन थे ये और जहां आरा इन दोनों ने कदरिया सिलसिला को ज्वाइन किया दारा शुको बेसिकली लिबरल नेचर के थे और उन्होंने मजमा उल बहरीन को लिखा था बट इनके जो टीचर थे ख्वाजा सरमत इनको बाद में औरंगजेब ने एक्सिक्यूट कर दिया नक्शबंदी सिलसिला नक्शबंदी जो ऑर्डर है ये मुगल पीरियड में काफी ज्यादा फेमस हो गया स्पेशली पॉपुलराइज बाय बाबर जो ख्वाजा बाकी बिल्ला है ये जब इंडिया आए तो इन्होंने अकबर के जितनी भी लिबरल पॉलिसीज हैं उनको अपोज किया अकबर बेसिकली उनके लिबरल पॉलिसीज के लिए जाने जाते हैं और ये बाकी बिल्ला ने उनके लिबरल पॉलिसीज को काफी अपोज किया सो इसकी वजह से जो बाकी बिल्ला है इनको कहते हैं उस पीरियड में जो बाकी बिल्ला के जो डिसाइपल है शेख अहमद सरिंदी ये अपने आप को उन्होंने खुद से ही सेल्फ टाइटल कर दिया था एस मुजेदिद अल सफानी जिसका मतलब है कि इस्लाम के जो मिलीनियम ऑफ इस्लाम है इनके रिनोवेटर ये बेसिकली शिया और हिंदू दोनों को अपोज करते हैं और इनकी जो थिंकिंग है काफी ऑर्थोडॉक्स है बेसिकली जो शेख अहमद सरिंदी है इन्होंने कंसेप्ट को इस कंसेप्ट को उन्होंने एस्टैब्लिश किया बट बाद में जहांगीर ने इनको इम्रजेंट किया था सो दैट्स दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट विल टॉक टू गाइस नेक्स्ट वन टिल देन हैव नाइस डे